दिल्ली का किला जीतने की कोशिश में लगी बीजेपी में मोदी पर महाभारत हो रही है। पार्टी की गुटबाजी गोवा में साफ साफ नजर आई और अनुशासन का ढोल पीटने वाली बीजेपी दो खेमों में बट गई है। मोदी के साथ राजनाथ सिंह हैं तो आडवाणी के साथ सुषमा स्वराज, मोदी के साथ अरुण जेटली हैं तो आडवाणी के साथ शिवराज सिंह चौहान, मनोहर पर्रिकर मोदी के पक्ष में हैं तो जसवंत सिंह आडवाणी के खेमे में हैं, अमित शाह मोदी के साथ हैं तो यशवंत सिन्हा आडवाणी के पक्ष में हैं। इसी तरह मोदी के समर्थन में मुख्तार अब्बास नकवी हैं तो उमा भारती आडवाणी के समर्थन में हैं। मोदी खेमे में बलबीर पुंज हैं तो अनंत कुमार आडवाणी के खेमे में हैं। सीपी ठाकुर मोदी का समर्थन कर रहे हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा आडवाणी का, स्मृति ईरानी मोदी का समर्थन कर रही हैं तो वसुंधरा राजे आडवाणी के खेमे में हैं। मोदी के समर्थन में खड़े नेता उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराना चाहते हैं और शुरुआत उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर की जा सकती है, लेकिन दूसरा गुट कह रहा है कि आडवाणी को एक और मौका मिलना चाहिए। लोगों का ऑल इंडिया परसेप्शन में नरेंद्र मोदी बहुत आगे है। पार्टी अगर जीतनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया तो जीतने के चांसेस आसार बढ़ जाते हैं। सब जानते हैं गोवा के सीएम किसे चाहते हैं, हम जानते हैं देश किसे चाहता है, कार्यकर्ता किसे चाहता है। अटल जी के बाद कोई बात राष्ट्रीय नेता है तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी है और मेरे हिसाब से उनको एक बार और मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस भी आडवाणी को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता और वो मोदी का समर्थन कर रहा है। पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। संसदीय बोर्ड में कुल 12 सदस्य हैं, इनमें वाजपेयी सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए फैसले का हक 11 सदस्यों के हाथ में होगा। अब आप ये जान लीजिए कि संसदीय बोर्ड का कौन कौन सदस्य किसके साथ है और गणित के हिसाब से मोदी और आडवाणी में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संसदीय बोर्ड में मोदी के समर्थन में खुद मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और रामलाल हैं, यानी मोदी को बोर्ड के 5 सदस्यों का समर्थन हासिल है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने वाले लालकृष्ण आडवाणी भी कमजोर नजर नहीं आ रहे। संसदीय बोर्ड में आडवाणी के समर्थन में खुद आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, यानी आडवाणी को भी बोर्ड के 5 सदस्यों का समर्थन हासिल है। संसदीय बोर्ड के सदस्य थावर चंद गहलोत किसके समर्थन में हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। यानी अगर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में मोदी को लेकर फैसला लेने का वक्त आया तो थावर चंद का वोट सबसे अहम साबित हो सकता है।